नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से, लेकिन हम सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं क्योंकि राहत का काम रोक दिया गया है। आठ घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है, हमारा जो रेस्क्यू रिस्पॉन्स सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागने। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते। ये तो ऐसा कठिन कार्य है जो हम करने जा कर रहे हैं, उसमें इतना जोखिम तो रहता ही रहता है। जितने भी हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे और जो काम कर रहे हैं सभी कुशल हैं। उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। उसके बाद में हम उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देते हैं, पेप टॉक करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिया करते हैं। जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंसेज होते हैं। सो जो भी क्रू काम कर रहा था ये पूरी तरह के कुशल था, सक्षम था, और हमारे उसके जो सुपरविजन होता है वो हमेशा डायरेक्शन में चलता है। जो हमारे संविदा के जो लोग हैं उनके जो इंजीनियर्स हैं वो भी उनको सलाह देते हैं, और काम करने के पहले 9 बजे पेप टॉक होती है। जो काम करने जा रहे होते हैं उनके जोखिम के बारे में बताया जाता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। इसका हमारे पास प्रमाण है, आप उसको ले सकते हैं। आप मुझे बताइए, मड कहाँ तक गया, मड कहाँ तक गया टनल के अंदर? मड देखिए कितना मड है। अरे एक मिनट इधर से, आप तो इतनी देर से, आप मुझे ये हमारा सवाल है कि आखिर ये ऑपरेशन इन्हीं मशीनों से चलेगा या आप कोई लेटेस्ट मशीन ला रहे हैं? देखिए, अगर आप पहले उस समस्या को समझें, सब लोग आप समझदार हैं, 4 दिन से यहाँ पर हैं, 7 तारीख से लेकर 11 तारीख 4 दिन हुए हैं, 5 नहीं हुए हैं, तो कृपया इसको सही करें, इसमें सेंसेशन ना फैलाएं। 4 दिन के दौरान आपने देखा कि पानी, जो पहले पानी आ रहा था सडनली 40 मीटर ऊपर उठ गया, रिवर का कोस्ट 15 मीटर ऊपर उठ गया है। सुनिए, जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है, ठीक है। इसको खाली करने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं, जो हमारे इक्विपमेंट लग सकते हैं, टनल के अंदर एक्सकेवेटर ही लगेगा। जो पानी आ रहा है तो पंप लगेंगे, पंप की तैयारी है, एक्सकेवेटर की तैयारी है। पीछे जगह हमने जब भी जैसे ही ये घटना घटी तुरंत ही हमने रेस्क्यू टीम आई एडमिनिस्ट्रेशन से, 2 घंटे के अंदर सारे लोग आ गए, SDRF आया, जो बचा सकते थे उनको बचाया गया इमीडिएटली। जो टनल में थे 12 लोग, उनका पूरे टनल का मुंह बंद हो गया था। किसी तरीके से सारे लोगों ने, सारे रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों से उतर के वहाँ तुरंत ही वहाँ छेद करके उनको 12 लोगों को बाहर निकाला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे या कोई उसमें व्यवधान हुआ, उस कोई डिले हुआ। लगातार एक चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि रोज कितना मड बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नदी लगातार हमारे टनल से जुड़ चुकी थी, टनल के थ्रू नदी बह रही है, टनल के बाहर भी नदी बह रही है। अगर हम टनल के नीचे से जब भी हम मक निकाल रहे हैं वो पानी के साथ मक टनल के थ्रू भी आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी हम मक निकाल रहे हैं, कितना निकाल पाए, कितना मीटर अंदर जा पाए? देखिए, इसका तो हम, अगर आप 7 दिन लिखे, 20 घंटे 24 घंटे से स्कैनिंग की गई थी, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या, कुछ स्कैन करके उसमें निकला है कुछ, उसकी आपके पास रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कोई जो रिलीफ का काम चलाया जा रहा है? उसी के जो में NGRI के द्वारा ये काम किया गया था, आप लोग देखे होंगे। जी जी, उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है। इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है, पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है, जहाँ पर भी वो 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा वो कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे, डायरेक्टर ऑफ NGRI से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को, उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है। उसमें ऐसा अभी तो कुछ लगा नहीं कि कुछ कन्फर्मेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी आर डूइंग ऑल फ्रंट। ये भी हम कर रहे हैं, सारों फ्रंट पे काम हो रहा है। मैं दिल्ली से आके इधर बैठा हूँ, माई चेयरमैन इज सिटिंग इन दिल्ली, ही इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल रूम एंड वी आर वर्किंग इन कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट। सर, आप लोग देख ही रहा है, अब एक आगे का एक ही प्लान है। अभी राइट नाउ फॉर मी आई एम लुकिंग एट द बर्ड साइड रेस्क्यू। रेस्क्यू का साथ साथ हमने आपको बोला 2 और फ्रंट पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नदी अभी थोड़ा नीचे गए हैं, इससे पहले जाने का संभावना था ही नहीं।
कल दोपहर को हम इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे उधर, जब देखा ये नदी थोड़ा सा नीचे जाने का संभावना है, हमने इमीडिएटली दोनों फ्रंट पे एक्सकेवेटर लगा के चल रहा है। आप लोगों को सेंटर से या कहीं और से कोई मदद चाहिए, क्योंकि तमाम राज्य जो है आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ मदद के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो मदद के लिए तैयार है। जितना मदद हमें चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा ही बोलूंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, जो टनल मट गया उस तरफ कुछ टनल्स ऐसी हैं जहां खाली हो सकते हैं, जहां बचने के चांसेस हैं, कोई टनल्स ऐसी है, डिजाइन ऐसा है कुछ इससे? वन क्लियर क्वेश्चन ऑन दैट पार्ट ओनली, एनी होप ऑफ सर्वाइवल? जैसे मैडम गवर्नर मैडम ने बोल के गई हैं, वी ऑल प्रे टू भद्रविशाल भगवान दैट हमें मिल जाए, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, आई विल नॉट हैजर्ड एनी गेस, आई विल ओनली डू माई जॉब। सर जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें बताया गया था कि ऊपर के टनल में 180 मीटर के बाद राइट साइड में पॉसिबिलिटी है लेबर्स वहाँ थे। कल ऑपरेशन ड्रिल करके शुरू किया गया, बताया गया कि SFT में नीचे लेबरर्स हैं, तो एग्जैक्टली लेबरर्स हैं कहाँ पे, ऊपर वाले टनल में कि नीचे वाले टनल में, और एक कंफ्यूजन क्यों है सर? देखो कंफ्यूजन कम्युनिकेशन।